अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम यहाँ पर अटो नगर में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो दफ्तर है वहाँ उसके सामने खड़े हैं। अंदर काफ़ी भीड़ है, हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशंस आए हुए हैं अकलियतों को लेकर, माइनॉरिटी लोन को लेकर। कई सारे लोग यहाँ पर अपने लोन के एप्लीकेशंस यहाँ पर उन्होंने सरकार के पास भेजे हैं, यहाँ पर उनका दफ्तर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एक एरिया को अगर 100 देते हैं या 25 लोगों को देते हैं तो हज़ारों की तादाद में जिस तरह से ये फॉर्म से यहाँ पर जमा किए जा रहे हैं तो इनके साथ क्या है। दूर दराज से लोग आ रहे हैं, हुंचनहट्टी, टिपू सुल्तान नगर, दूर दराज देहात करियों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपना यहाँ पर उन्होंने लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्या लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या उनको लोन दिया जाने वाला है? अगर नहीं दिया जाने वाला है तो कितने लोगों को देने वाले हैं, उसके क्या ऐलान वो इससे पहले कर चुके हैं? क्योंकि कई सारे नेट कैफ़े में 150 रुपये, 200 रुपये और कई जगह पर तो 1000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये पैसा जिस तरह से एक तरह से लूटमार की जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लिहाजा ये सवाल उठता है कि अकलियतों को लेकर जो लोन का ऐलान हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है और न सिर्फ बेलगाम शहर बल्कि पूरी रियासत में इस तरह की तस्वीर नज़र आ रही है, तो उम्मीद यही करते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए जो हुकूमत की जानिब से जब ऐलान किया जाता है तो कितने लोगों को दिया जाएगा, ये भी अगर ऐलान किया जाता तो हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर नहीं आते, इस तरह की भी बात की जा रही है। क्या इस सवालों का, इन तमाम सवालों का जवाब हुकूमत दे पाएगी? यही आज का ये मौजू है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। रियासत कर्नाटक हुकूमत की जानिब से अकलियतों को श्रम शक्ति योजना, श्रम शक्ति विशेष महिला योजना, स्वावलंबी सारथी स्कीम, वृत्ति प्रोत्साहन लोन, तालीमी कर्ज भी दिया जा रहा है। गंगा कल्याण इस तरह मुख्तलिफ स्कीमों को जारी किया हुआ है। आज कुछ स्कीमों का आखिरी दिन था। कसीर तादाद में खवातीनों को अकलियती दफ्तर के सामने देखने को मिला। खवातीन छोटे बच्चों को लेकर घंटों कतार में खड़ी नजर आ रही थी। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा फॉर्म अकलियती दफ्तर में जमा किए गए। ये भी उतना ही सच है कि जब भी कोई सरकारी स्कीम जारी होती है तो साइबर कैफे वालों के ही अच्छे दिन आ जाते हैं। लोग अपने काम धंधे छोड़कर किसी तरह माइनॉरिटी लोन हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, तो कुछ मजबूर लोगों की मजबूरी का भी भरपूर फायदा उठाते हुए किसी के पास 500 तो किसी के पास 2000 रुपये तक लूट लेने की खबरें हासिल होती रहती है। हुकूमत की जानिब से अच्छी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, यकीनन सिद्धरामैया हुकूमत मुबारकबाद के काबिल है, लेकिन इसकी अगर सही तरतीब होती तो और भी अच्छा होता, ऐसा आवाम में कहते हुए पाया गया। खासकर गरीब और दरमियानी तबका ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। अगर सीधा कहा जाए तो मुसलमानों की ही तादाद यहाँ पाई जाती है, पर छोटे बच्चों को लेकर घंटों कतार लगा कर खड़ा होना क्या मुस्लिम खवातीनों के लिए दुरुस्त है? एक हल्के में 100 या 200 को लोन मिल जाता है या 200 अर्ज को मंजूर कर दिया जाता है, तो दिगर लाखों लोगों का क्या? जिस तरह मुस्लिम खवातीनों की भीड़ देखने को मिल रही है, कहीं तो तरतीब की जरूरत है, इसकी कमी महसूस हो रही है। ऐलानात मस्जिद में भी किए गए, यकीनन मुस्लिम माशरा खस्ता हालत से दो चार है, पर कुछ लोग इसमें भी रुपया कमाने की सोचते हैं, तो दूसरी तरफ मजबूर गरीब औरत किसी दूर देहात करियों से आकर उम्मीद पर लोन लेना चाहती है, पर उसे मालूम ही नहीं रहता कि उसका नंबर आने वाला नहीं है।